हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है दो राज्यों के बीच की लड़ाई से, जहां हमारी हीरोइन महारानी होती है। सीन देखते हैं जहां पर मैन कहता है, भाभी हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। रेनी कहती, मुझे तुम्हारे भैया को दिया हुआ प्रॉमिस निभाना है, तुम यहां से जाओ। और यहां पर तलवार पकड़ती और कहती है, अगर मेरे लोगों पर हमला करना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तभी दुश्मन कहता है, तुमने कई सालों से इस राज्य की रक्षा की है तो फिर तुम थक गई होगी ना। और यहां दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और तभी वो कहता है, तुम्हारा पति मर चुका है। ये सुनकर जिन्हें शौक हो जाती, कहती क्या। तभी यहाँ पर सब उस पर हमला कर देते हैं, यहाँ पर गिर जाती और मरते समय कहती है, मोशिन नेक्स्ट लाइफ में हम मिलेंगे। तभी हम सीन देखते हैं फ्यूचर का, प्रेजेंट का, जहाँ पर जिन्हें को होश आता है उसके पास एक पेंडेंट होता है। और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड मोशिन को याद करती है, जो कि इसका प्यार है। तभी वो प्रेजेंट में मोशिन को देख कहती, आप जिंदा हो। मोशिन गुस्से में जिन्हें का गला पकड़ता और कहता है, तुमने शुमी को सीढ़ी से धक्का देने की कोशिश की उसे मारने की, लेकिन ये सारी बातें यूजलेस है। मैं इस लाइफ को तो छोड़ो, नेक्स्ट लाइफ में भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला। जिनी कहती, मुझे दर्द हो रहा है। मोशन कहता है, डिवोर्स के पेपर साइन करो और मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। और वहाँ से मोशन गुस्से में चला जाता है। तभी जिनी कहती, मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और कहती, ये आपका घर है तो फिर ठीक है, चलो इंजेक्शन लगाते। जिनी कहती, ये कैसा हथियार है, तो क्या तुम महारानी को मारना चाहती हो। और यहाँ पर डॉक्टर को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर घर के देख कहती है, घर तो काफी ज्यादा अलग है। फिर मेड से कहती है, ग्लास पानी लेकर आओ। मेड कहती, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। और यहाँ पर जिनी से बदतमीजी करने लगती है। इस पर जिनी से जोरदार थप्पड़ मारते और कहती, तुम्हारी इतनी हिम्मत महारानी से ऐसी बात करने की। बदतमीज मेड कहेंगी। फिर मेड कहती है, मैं शुमी को सब कुछ बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। फिर सब बाकी मेड गुस्से में कहती, इसमें स्ट्रेस को सबक सिखाना होगा। और यहाँ पर सब जिनी को मानने जाते कि जिनी सबकी पिटाई कर देती है। ये सब कुछ देख डॉक्टर कहती, वाओ मार्शल आर्ट है ये। फिर आगे सीन देखते हैं जहाँ पर सारी नौकरानियाँ महारानी जिनी की सेवा में लग जाती हैं। और तभी यहाँ पर शुमी आती है मोशिन के साथ और कहती, आप डिवोर्स कब ले रहे हो, उसने तो आपकी लाइफ बर्बाद कर दी है, जिनी आपकी वाइफ बनने की काबिल बिल्कुल नहीं है। और तभी वहाँ पर जिनी तालियां बजाती है। तभी सब यहाँ कहते हैं, मिस्टर मो वेलकम। मोशिन कहता, जिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी जिनी शिमी को देखती और यहाँ पर वो फ्यूचर और जिनी के पास्ट को याद करती है। और शिमी कहती है, जिनी तुम मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चक्कर में तुम खुद सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ये प्लान कैसा है, बाहर जाने के बाद मोशिन तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, मोशिन सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर वो जिनी को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और यहाँ पर जिनी के सिर में चोट लग जाती है। तभी सीन देखते जिनी का जहाँ पर कहती, सारी यादें किसकी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तभी मोशिन कहता है, जिनी। जिनी कहती है, तो आप इस नौकरानी को जंग में जीत कर लाए हो। मोशिन कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो। जिनी कहती है, महाराज आपके बाल को क्या हो गया है और आपके लंबे बाल कहाँ गए। मोशिन कहता है, मुझे टच करने की कोशिश मत करो। जिनी कहती, क्या हुआ आपको, आप इतने कोल्ड बातें क्यों कर रहे हैं, बस इस नौकरानी की वजह से। आप नहीं जानते लड़की शुमी शैतानी दिमाग वाली है, तो क्या आप इससे शादी करना चाहते हैं। तभी शुमी कहती, ब्रदर मोशिन लगता है मेरी बहन का दिमाग सीढ़ियों से नीचे गिरकर खराब हो गया है। जिनी गुस्से में कहती, मेरे और महाराज की बात करते समय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की, और इसे यहाँ से लेकर जाओ, इसे मार डालो। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है, महारानी आप किसी को मार नहीं सकती, इस जमाने के रूल के खिलाफ है। जिनी कहती, क्या मैं किसी को फांसी नहीं दे सकती। डॉक्टर कहती, नहीं। जिनी कहती, तो फिर ठीक है, इसे 50 बार बेल्ट से मारो। इस पर मेड कुछ नहीं बोलती। जिनी कहती, तो ठीक है, मैं तुम सबकी 50 बार पिटाई करती हूँ। सुनते सारे मेड घबरा जाती। मेड शुमी को लेकर वहाँ से जाने लगती कि तभी शुमी गुस्से में अपने सैंडल को फेंकती और वो सैंडल जिनी पकड़ लेते कि तभी वो गिरने वाली होती कि तभी मोशिन उसे पकड़ लेता है, यहाँ पर बच जाती है। और यहाँ पर जिनी अपने पास्ट के प्यार को याद करती है और मोशिन को देखने लगती कि तभी मोशिन कहते हैं, लड़की इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है। तो वो कहता है, सीधी खड़ी रहो, तुमने डिवोर्स के पेपर साइन क्यों नहीं की। और यहाँ पर सोफे पे बैठता है जहाँ पर रिमोट होता है। तभी टीवी ऑन हो जाता है और टीवी को देख कर जिनी घबरा जाती है और मोशिन को पकड़ लेती है और कहती, ये क्या है। मोशिन कहता, टेलीविजन है। कहती, इसमें से आवाजें क्यों आ रही, क्या आपने अंदर लोगों को कैद किया है, सब कितना डेंजर है आपको पता है। मोशिन कहता है, जिनी अपने हाथ को हटाओ, पहले तुम मुझे दूर जाओ। पोर्टर पुराने जमाने में मिले गए खजाने के बारे में बताती है और यहाँ वह याद करती है अपने हस्बैंड के बारे में, जहाँ वो कहती, हमारी वेडिंग की नाइट अभी बाकी है। मोशिन कहता, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे वार्ड पर जाना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता है मैं जरूर आऊंगा और हमारी वेडिंग नाइट जरूर सेलिब्रेट होगी। और यहाँ पर उसे अपने पैर की निशानी ब्रेसलेट देता है। सारी बातों को याद कर और न्यूज को देखकर जिनी कहती, लगता है कि मैं 1000 साल पहले वाली दुनिया में आ चुकी हूँ, मतलब ये फ्यूचर है और मैं पास्ट से आई हूँ और ये मेरे किंग नहीं है। और यहाँ पर रोने लगती है। मोशिन कहता है, रोना बंद करो और डिवोर्स के पेपर साइन करो। जिनी कहती है, मिस्टर मोशिन, इस जमाने के डिवोर्स का मतलब होता है पति पत्नी का अलग होना,
मोशन कहता है, क्या तुम नाटक कर रही हो? जिनी कहता है, आप ट्रस्ट करो या ना करो, लेकिन मैं आपकी वाइफ जिनी नहीं हूँ। मोशन कहता है, क्या? जिनी कहती, 1000 साल पहले मुझे दुश्मनों ने धोखे से मार डाला था। मैंने कुछ इस तरह तलवार पकड़ी थी, मैं वार कर रही थी कि तभी। मोशन कहता है, बस करो, काम क्या है ये बताओ। जिनी कहती, मुझे पैसे चाहिए अपने साम्राज्य में वापस जाने के लिए। मोशन कहता है, ठीक है, तुम पैसे कमा सकती हो, मैं तुम्हें 6 महीने तक डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन तुम कोई भी नौटंकी नहीं करोगी, समझी तुम? जिनी कहती, ओके मिस्टर मोशन, मैं आपकी फैमिली की केयर करूंगी और आपके हाउसवाइफ की सारी ड्यूटीज को निभाऊंगी। आगे सीन देखते हैं जहाँ पर जिनी कहती, इस दुनिया की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब है और मिस्टर मो कितने ज्यादा कंजूस है, इतना छोटा घर। तभी वहाँ स्पीकर से म्यूजिक की आवाज आती है। वो कहता है, हेलो मिस जिनी। जिनी कहती, तुम हो कौन? और तभी यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और अचानक से वो बंद हो जाता है। जिनी कहती, अभी इससे क्या हुआ? रुको, मैं तुम्हारी जान बचाते हुए भागते हुए जाती है मोशन के पास, जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर मो, आपकी पार्टी में आपको अपनी वाइफ के साथ जाना जरूरी है, वह सारी पुरानी चीजों का एग्जीबिशन है, हमारे सारे बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं। और तभी यहाँ पर जिनी याद करती है न्यूज की बातों को और अपने जेड ब्रेसलेट को और कहती, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ एग्जीबिशन में। इस पर मोशन कहता, नहीं, तुम मुसीबत खड़ी कर दोगी। जिनी कहती, नहीं, प्रॉमिस करते मैं कुछ नहीं करूंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपको ब्लड का प्रॉमिस देती हूँ। मो कहता, अब ये क्या है? तभी जिनी चाकू लेकर आ जाती है और देखकर सेक्रेटरी मो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? जिनी कहती, नहीं, आपको ब्लड वाला प्रॉमिस दे रही हूँ। और यहाँ पर अपने आप को चोट पहुँचाने जाती, तभी मोशन कहता है, बस, और यहाँ पर चाकू फेंक देता है। जिनी कहती, क्या हुआ? कहता है, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, अब तुम खुश हो। जिनी कहती, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कोई भी कारनामा नहीं करूंगी वहाँ। और वहाँ से जिनी जाते फिर से आ जाती है। मोशन कहता है, अब क्या है? जिनी कहती, मेरा फ्रेंड बीमार हो गया है, प्लीज आप इसकी जान बचा लो। मोशन कहता है, क्या तुम्हारा फ्रेंड? और यहाँ स्पीकर को चार्ज करता है और कहता है, मैं तुम्हें बस एग्जीबिशन में लेकर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ बनने के बारे में तुम मत सोचना, समझी तुम? तभी स्पीकर चार्ज हो जाता है और वहाँ पर रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है। वो सुनकर जिनी हैप्पी होते कहती, थैंक यू मिस्टर मो। वहाँ से जाती है और कहती है अपने मन में, मिस्टर मो कितने ज्यादा कोल्ड है और कितने खड़ूस से, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बस ये मेरे मोशन की जैसे दिखते हैं। इस दुनिया में आई हूँ इसका मतलब मेरे हस्बैंड मोशन भी आए होंगे, मुझे बस पैसे कमाने हैं ढेर सारे, फिर इस दुनिया से मुझे जाना है अपने हस्बैंड मोशन के पास। और वहाँ से वो चले जाती, तभी मोशन कहता है अपने सेक्रेटरी से, इस घर में जितने चाकू है सबको बाहर फेंक दो, समझे तुम? सेक्रेटरी कहता है, ओके। आगे सीन जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है, आपके पार्टी के लिए ड्रेस भेजी है मिस्टर मो ने। जिनी कहती, मेरे रूम में आने से पहले तुमने नोटिफाई क्यों नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है, मिस जिनी, आप स्टूपिड बनने का नाटक मत करो, मुझ पर ट्राई भी मत करना, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप दोनों का डिवोर्स होने वाला है, आप बस पैसों के लिए मिस्टर मो को परेशान कर रही हो। अंदर जिनी से थप्पड़ मारती और कहती है, मेरे बारे में मत सोचना, समझे तुम? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, वरना मैं तुम्हारी जबान काट लूंगी, आखिर तुम होते कौन मेरे बारे में बोलने वाले? सेक्रेटरी कहता है, मैं मिस्टर मो का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, उनकी हर एक चीजों का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सबका मैं ख्याल रखता हूँ। जिनी कहती, क्या तो मिस्टर मो को ये सारे शौक है? और यहाँ पर सेक्रेटरी को दिखने लगती है। सेक्रेटरी कहता है, क्या पैसे वैसी बातें मत सोचो, हमारे बीच कुछ नहीं है। जिनी कहती, निकलो यहाँ से। फिर आगे सीन जहाँ पर जिनी ब्यूटीफुल से ड्रेस में रेडी होकर आती, मोशन यहाँ पर उसे देखता ही रह जाता है, काफी खूबसूरत लगती है। तभी जिनी कहती है, चले। और तभी शुमी यहाँ पर मोशन का हाथ पकड़ने जाती, जिनी कहती, बस मिस्टर मो मेरे हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ और मैं इस घर की ऑनर भी हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरी जगह लेना चाहती हो? नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तो भी शुमी कहती है मोशन से, ये पागल हो गई है। मोशन कहता है, शुमी तुम जानती हो, फिर तुम शांत हो जाओ। तो वो जिनी कहती, तो फिर चले यहाँ से। और दोनों वहाँ से जाते हैं। फिर आगे सीन देखते एग्जीबिशन का, जहाँ पर जिनी अपने जेड ब्रेसलेट को देखती है और यहाँ पर उसकी प्राइस लगती है। जिनी कहती है, मिस्टर मो, मोशन कहता है, क्या तुम्हें वो ब्रेसलेट चाहिए? इस पर जिनी कहती है, आप मुझे पैसे उधार दे दो, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। और ये बात सुनकर यहाँ पर शुमी कहती 50 मिलियन। जिनी मोशन को देखती और यहाँ पर कहती 60 मिलियन। शुमी कहती 70 मिलियन। तभी जिनी कहती 90 मिलियन। मोशन कहता है, जिनी तुम्हें मेरे पैसे उड़ाने पर थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा? तो जिनी कहती, प्लीज। तभी शुमी कहती 100 मिलियन। जिनी कहती 200 मिलियन। तभी शुमी फिर से कुछ बोलने चाहती कि जिनी उसे रोकती और कहती, बस बहुत हुआ, क्यों ना हम दोनों कॉम्पिटिशन करें, जो जीतेगा ब्रेसलेट उसका होगा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस पर शिमी कहती, किसे डर लग रहा है, ठीक है हम कंपटीशन करेंगे। कहती, इस एग्जीबिशन में जो भी चीजें हैं उसमें फेक कौन सा है और रियल कौन सा है, ये पहचानना है। और तभी यहाँ पर प्रोफेसर कहता है, क्या इम्पॉसिबल, यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ रियल है, सारी चीजें पुराने जमाने की हैं, 1000 साल पुरानी।
इस प्रश्न में कहती हाँ, यानी अगर तुमने यहाँ किसी एक भी आइटम को फेक प्रूफ कर दिया ना, तो फिर जेड का ब्रेसलेट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिन का मजाक उड़ाती, जिन कहते ठीक है प्रूफ कर देती हूँ, प्रोफेसर कहते हैं सारी बकवास बातें हैं, आप मिस्टर मोशन की वाइफ होने का फायदा उठा रही हैं। फिर मो कहता है जीनी रहने दो, जीनी कहते हैं मिस्टर मो आप मुझ पर ट्रस्ट करो। इस पर मो कहता है ठीक है तुम ट्राई कर सकती हो। तभी जीनी कहती है फ्लावर पॉट फेक है। इस पर प्रोफेसर कहता है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैंने खुद इसे वेरीफाई किया, ये रियल है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मो कहता है मुझे अपनी वाइफ की बातों पर ट्रस्ट है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं हूँ यहाँ। इस पर जीनी कहती है थैंक यू और फ्लावर पॉट को नीचे फेंक देती है। अब देखो उसके अंदर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट 2009, मार्केटेड बाय सिंजाई कंपनी, यहाँ पर उसका स्टिकर और लोगो होता है। देखकर सब शॉक हो जाते कि ये फ्लावर पॉट पुराना नहीं बल्कि इसी जमाने का ये फेक है। शुरू में तुम्हें कैसे पता है सारी बातें, निकेती इसमें कई सारी चीजें 1000 साल पुरानी है और वो राजा मोशिन और उनकी वाइफ की डेली लाइफ की चीजें हैं। मास्क वो राजा का था और दूसरी चीजें उनकी मेडिसिन रखने के लिए थी। और यहाँ पर वो कैसे चीजों के बारे में बताती, इस पर प्रोफेसर कहता है आपको कैसे पता है इन सब के बारे में, ये फेक है कि रियल। जीनी कहती सारी चीजें मेरी, मेरा मतलब मैंने इसे बुक में पढ़ा था। सर प्रोफेसर कहता है प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। इस पर मोशिन कहता नहीं, यहाँ उसे रोकता है। तभी जीनी कहती मुझे बस अपने ब्रेसलेट चाहिए। तभी जीनी यहाँ पर ब्रेसलेट को उठाती और इसके पैसे आप मिस्टर मोशिन के अकाउंट से कट कर लो और वहाँ से वो चली जाती है। मोशिन कहता है पैसे से दे दो, जीनी के पीछे जाता है। फिर आगे प्रोफेसर कहता है प्लीज मिस जीनी क्या आप नेक्स्ट एग्जीबिशन में आ सकती है, तेरा उसका इन्विटेशन लेटर। इस पर जीनी कहती ठीक है इसके बारे में मैं सोचूंगी और वहाँ से मोशन के साथ चले जाती। मोशन यहाँ पर जेलस होता है। फिर आगे सीन देखते हैं जब जीनी कहती है मुझे मेरे किंग को खोजना होगा और मोशन से कहती है ये डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए हैं। मोशन कहता है क्या तुम डिवोर्स के बाद क्या करने वाली हो। जीनी कहती है मैं शहर को छोड़कर जाना चाहती हूँ और मैं अपने मैन को खोजना चाहती हूँ। उनका मुंह काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या जीनी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और डिवोर्स हो या ना हो तुम किसी और मैन के बारे में नहीं सोच सकती। इस पर जीनी कहती है क्यों डिवोर्स के बाद मुझे अपने एक्स हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस पर मोशन कहता है लेकिन तुमने मुझसे 200 मिलियन उधार लिए, क्या तुम भूल गई अपने ब्रेसलेट को, पहले तुम मुझे पैसे दो। और यहाँ पर डिवोर्स के पेपर को फाड़ के फेंक देता है और कहता है जीनी तुम कहीं नहीं जा सकती। सुनकर जीनी शॉक हो जाती। फिर आगे सीन जहाँ पर जीनी अपने रूम की सारी चीजों को बेचने के बारे में सोचती है। तभी मोशन आता है कहता है क्या तुम यहाँ से भागने वाली हो। जीनी कहती आप, मोशन कहता है चलो। फिर आगे सीन देखते हैं जब पर जीनी कहते हैं आप मुझे कहाँ लेकर आए हो। फिर यहाँ पर प्यारा सा डेमोन, मोशन कहता है क्या तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहोगी। जीनी कहती क्या, मोशन अपने मन में कहता है तुम मुझे पसंद करने लगोगी फिर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तभी जीनी कहती मैं महारानी हूँ और मैं नकली हॉर्स पर नहीं बैठूंगी, मैंने कई सारे असली हॉर्स की राइडिंग की है। तभी मोशन जीनी को उठा लेता है और कहता है चलो यहाँ से। फिर आगे सीन देखते हैं जहाँ पर जीनी हॉर्स राइडिंग पर बैठी होती और कहती वाव कितना ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर मोशन उसकी पिक लेता है। फिर आगे यहाँ पर लवी डेवी टाइम स्पेंड करते हैं। मोशन यहाँ पर जीनी को कई सारी चीजें दिखाता है, यहाँ पर जीनी को कई सारी नई चीजें दिखाता है। जीनी काफी एंजॉय करती है, काफी हैप्पी होती है। जीनी को हैप्पी देख मोशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी होता है। तो यहाँ पर मोशन को जीनी से प्यार हो गया। फिर आगे वो कहता है जीनी चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और यहाँ पर फायर वर्क करवाता है। देखकर जीनी काफी हैप्पी कहती क्या सच में सब कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सब कुछ मिस्टर मो अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं लेकिन मैं तो वो हूँ ही नहीं। फिर आगे हमसे देखते हैं घर का जहाँ पर जीनी कहती मजा आ गया। मोशन कहता है तो फिर तुम अब गुस्सा नहीं होना और तुम घर से भागने की प्लानिंग नहीं करोगी। जीनी कहती क्या ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपको बताती हूँ। मोशन कहता है तुम चाहती क्या। जीनी कहती आपके जमाने में पैसे कैसे कमाते हैं। मोशन कहता है कितने पैसे चाहिए। जीनी कहती 200 मिलियन, ये पैसे मुझे आपको वापस करने हैं, उसके बाद मुझे आपको डिवोर्स देना है। मोशन कहता है क्या तुम जो डिवोर्स देना क्यों चाहती हो। जीनी कहती क्या आपने ही तो पहले मांगा था डिवोर्स। जीन कहता है ओके लेकिन बिना पैसे दिए तुम कहीं नहीं जाओगी समझी, और ये देखो तुम एक फेमस एक्टर हो, तुम इसके बारे में भूल गए, तुम इससे पैसे कमाती थी। इससे मेरे पास एक और तरीका है, तुम मेरी वाइफ बनकर रहो और मैं हर महीने तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। पर जीनी कहती नहीं तब तो पैसे चुकाने के लिए मुझे कई साल रुकना होगा, मेरे ख्याल से मैं एक्टर ही ठीक हूँ। तो ठीक है मेरा काम हो गया मैं जाती हूँ। तभी वो चली जाती है। वो देख मोशन कहता है ये बस मेरा यूज करना जानती है। सीन देखते हैं जहाँ पर जीनी जाते अपने ऑडिशन के लिए जहाँ पर मिनी ऑडिशन दे रही होती है। एक्टर कहता है बकवास एक्टिंग है। तभी जीनी कहती मैं ट्राई करना चाहूंगी। ये सुनते सब यहाँ पर जीनी का मजाक उड़ाने लगता है और आगे जीनी यहाँ पर ऑडिशन देती है। उसकी एक्टिंग देखने के बाद सबको यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सब काफी हैप्पी हो जाते और यहाँ पर डायरेक्टर जीनी को हायर कर लेता है अपने फिल्म की हीरोइन के लिए। और देखकर मिनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है रोल तो मेरा हीरोइन का होने वाला था ना। एक्टर कहता है तुम सेकंड लीड बन जाओ।
लेकिन हीरोइन तो जीनी बनेगी, उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है। सुनकर मिनी काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे सीन देखते हैं जब जीनी कहती है मोशिन से, मुझे रोल मिल चुका है, मैं धीरे धीरे कर आपके सारे पैसे दे दूंगी। ये सुनकर मोशिन की तरह जीनी, तुम्हें मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों है, तुम कहीं नहीं जा सकते। जीनी कहती क्या आपने तो कहा था डिवोर्स के लिए, तो क्या आपका मन बदल गया। कहते क्या सच में तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम इतनी बदल कैसे सकती हो, तुम सच में जीनी हो या नहीं, तुम पहले वाली जीनी नहीं हो, तुम कौन हो। इस पर जीनी कहती मैंने आपको अपने महारानी होने के बारे में तो बताया था ना, मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ, लेकिन आपने मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया, तो आप जानकर आप क्या करोगे। मो कहता है मैं जानना चाहता हूँ और यहाँ पर किसने चाहता है कि तभी जीनी से रुक देती है। मोशन कहता जीनी तुम मेरी वाइफ हो। तभी जीनी कहती कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मोशन शौक होता कहता है क्या ये सारी बकवास बातें, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वहाँ से वो चला जाता है। वो देखकर जीनी कहती सच में ये पागल है। आगे सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर जीनी कहती मैं सेट पर जा रही हूँ। मोशन कहता है तो फिर तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। जीनी कहती नहीं मुझे नहीं करना। मोशन कहता है ठीक है तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। जीनी अपने मन में कहती क्या कि मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं करने वाले, मैं इनके पैसे नहीं दिए इसलिए। जीनी कहता है चलो। जीनी कहती नहीं मैं पैदल चली जाऊंगी, और यहाँ पर वो मोशन की रिक्वेस्ट करने पर भी मना कर देती और वहाँ से वो चली जाती है। तभी मोशन यहाँ कॉल करता है और कहता है आज सेट पर मेरी वाइफ आने वाली है, तो अगर वो अनहैप्पी हुई तो फिर इसकी कीमत सबको काफी महंगी पड़ेगी। हम सीन देखते फिल्म के सेट का, जहाँ पर जीनी आती और तभी वहाँ पर मिनी अपने भाड़ के कार में आती है। तो दोनों को देखो लड़की कहती बॉस इनमें से सीओ की वाइफ कौन है। तो लड़का कहता है क्या तुम पागल हो, मिस मिनी ऑफकोर्स उनकी वाइफ होगी, देखा नहीं तुमने वो कितनी महंगी कार में आई थी। और यहाँ पर सब कोई मिनी को मोशन की वाइफ समझ लेता है। सब कुछ सुनकर मिनी काफी हैप्पी होती है, मन में कहती वाओ क्या बात है, सब पागल मुझे मोशन की वाइफ समझ रहे हैं, मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। और मिनी कहती कम ऑन आप सबको इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। टर कहता है मैम आप खुश नहीं होगी तो फिर मिस्टर मोशन भी खुश नहीं होंगे। मिनी कहती वैसे मैंने हस्बैंड को कहा था कि सेट पर किसी को भी मेरे बारे में वो ना बताए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। प्रोडक्टर कहता है कोई बात नहीं आप कितनी काइंड हार्टेड है। मिनी की सारी बातें सुनकर जीनी कहती क्या कि लड़की मिस्टर मोशन की वाइफ है, उनकी लवर तो नहीं, जाने तो कोई बात नहीं, तो मेरा डिवोर्स होने वाला है उनके साथ। प्रोडक्टर कहता है जीनी से तुम इनका बैग उठाओ। वो सुनकर जीनी गुस्से में कहती क्या इसके हाथ नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। इनको देख मिनी अपने मन में कहती इस लड़की ने मेरे हीरोइन के रोल को छीना था ना मुझसे, और कहती तुम मेरे बैग को उठाओ, तुम बहरी तुम्हें सुनाई नहीं देता। इस पर जीनी कहती मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तो मिनी कहती नहीं, जीनी यहाँ पर धक्का दे देती है और कहती मैंने कहा दूर हटो क्योंकि वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हक मिल गया कि किसी को भी बुले करने का, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो आगे हम सीन देखते हैं हॉर्स राइडिंग का, जहाँ पर मिनी हॉर्स की राइडिंग नहीं कर पाती। तो देख सब कहते इस कंट्री के सबसे अमीर पर्सन की वाइफ को हॉर्स राइडिंग नहीं आती, तो कितना ज्यादा फेंक रही थी कि इन्हें सब कुछ आता है, क्योंकि उसने सबसे कहा होता है कि वो हॉर्स राइडिंग में नंबर वन है पूरे कंट्री में। और यहाँ पर फाइनली घोड़े पे से उतर जाती है और कहती घोड़ा बीमार है इसलिए वो चल नहीं पा रहा। जीनी कहती है अच्छा तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें राइडिंग नहीं आती। मिनी कहती क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही आता है ना, तुम्हें हॉर्स की राइडिंग क्यों नहीं कर लेती। जीनी कहती तो फिर ठीक है तुम यहाँ की सबसे बिग डेल और सबसे गुस्सेल हॉर्स को बुलाओ, मैं उसकी राइडिंग करूंगी। तो मिनी कहती जीनी तुम शो ऑफ मत करो, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी, तारा फैसे बिगड़ जाएगा। इस पर डायरेक्टर कहता है मिस जीनी आप ज्यादा शो ऑफ मत करो, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इस पर जीनी कहती डोंट वरी, और यहाँ पर सिटी मारती कि तभी वहाँ पर एक हॉर्स आ जाता है और यहाँ पर जीनी उस हॉर्स की राइडिंग करती है। देख कर सबको काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतना गुस्सेल घोड़ा जीनी की बात कैसे मान सकता है। सारे बातें बनाते और कहते कि ये तो मिस्टर मोशन की वाइफ तो नहीं। एडर कहता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन मिस मिनी ने खुद कहा कि वो मिस्टर मोशन की वाइफ है, और मिनी ने बस मिस्टर मोशन की वाइफ होने का फायदा उठाया है। हीरोइन के काबिल तो मिस जीनी है। यहाँ पर जीनी की परफॉर्मेंस को देख डायरेक्टर कहता है इस मूवी की हीरोइन तो जीनी बनेगी। सुनकर मिनी यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे सीन देखते हैं जहाँ पर गुस्से में जीनी घर आती है। मोशन कहता है वाइफी तुम्हारा दिन कैसा गया, तो जीनी कुछ नहीं कहती। मोशन कहता है वेट क्या कुछ हुआ सेट पर। जीनी कहती जो कहना है वो कहो, मैं आराम करने जा रही हूँ। मोशन कहता है मैंने सेट पर जाने के लिए तुम्हारे लिए कार अरेंज की है। इस पर जीनी गुस्से में कहते है ठीक है और डोर को बंद कर लेती है। मोशन कहता है पीछे क्या हुआ, तो रैपर कॉल करता है और कहता है चेक करो कि मेरी मैम को किसने परेशान किया है। फिर रहने दो मैं खुद जाकर सेट पर चेक कर लूंगा। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर मोशन जाता है सेट पर जीनी से मिलने के लिए। वह उसे कंपनी से अर्जेंट काम आ जाता है, मीटिंग के लिए उसे जाना पड़ता है। जाते समय जीनी मोशन को देखते और कहती क्या मिस्टर मोशन यहाँ, नहीं लगता है कि मेरा ये वहम होगा। यहाँ पर वो मोशन के बारे में सोचने लगती है। सीन देखते हैं जहाँ पर सेट की एम्प्लॉय कहते हैं मिस्टर मोशन ने हम सबके लिए पिज्जा और मिल्कशेक भिजवाया है। मिनी से कहता है आपके हस्बैंड कितने ज्यादा केयरिंग है ना। मिनी कहती मैंने रात को ही कहा था मोशन से कि मेरे प्रोफाइल को लो रखे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनते,
कोई बात नहीं, आप सब इंजॉय करो। तो सारी बातें सुन जीनी कहती क्या ये सच है, और तभी प्रमोशन का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें पिज्जा और मिल्क शेक कैसा लगा, टेस्टी है ना। जीनी कहती क्या आपने वो मेरे लिए भेजा है। मोशन कहते हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा, तो मैंने सारे भेज दिए। जीनी कहते लेकिन यहाँ मिनी कह रही कि सब कुछ आपने उसके लिए भेजा है। मोशन कहता है मिनी अब ये कौन है। जीनी कहती मेरे सेट की एक्टर है वो, कहा है कि वो आपकी वाइफ है, तो मैंने सोचा कि आपने घर के बाहर मेरी सौतन रखी है। कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे सिवा मैंने किसी के बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचा है। तो जीनी कहती ओके बाय और कॉल कट कर देती है, और यहाँ पर स्माइल देती है। वो मोशन की बातों से हैप्पी होती है। फिर आगे सीन जहाँ पे मिनी कहती तुम भी इसे खा सकती हो, इसे मेरे हस्बैंड ने भेजा है। जीनी कहती इसे मेरे हस्बैंड ने भेजा है, तो फिर तुम इंजॉय कर सकती हो, मैं तो लेने ही वाली हूँ। मिनी कहती क्या तुम झूठ मत बोलो। जीनी कहती तुम सच जानती हो, तुम कौन हो और तुम किसकी वाइफ हो। मिनी गुस्से में कहती मैं तुम सबको अपने हस्बैंड की पार्टी में इन्वाइट करती हूँ। इस पर आगे कलीग कहती तो बहुत बड़ी पार्टी है ना टेलीविजन इंडस्ट्री की। इस पर मिनी कहती हाँ, ये सुनकर जीनी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर जीनी मोशन के आने का वेट कर रही होती है, और उसे देखते हुए छुप जाती है, जाने का नाटक करती। मोशन कहता है क्या मेरा वेट हो रहा है। जीनी कहती नहीं तो मैं बस अभी अभी घर आई हूँ। जीनी कहता तो फिर आज का दिन कैसा गया। जीनी कहती मिनी ने कहा है कि आपने उसके लिए होटल में बहुत बड़ी पार्टी रखी है टेलीविजन इंडस्ट्री की, और वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। जीनी कहता मिनी है कौन। जीनी कहती आप नहीं जानते। जीनी कहता नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस पार्टी में। पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की लेकिन वो तुम्हारे लिए थी। जीनी कहते आप सच बोल रहे हो, आप कुछ नहीं जानते, आप इनोसेंट हो। मोशन कहते तुम खुद ही डिसाइड कर सकती हो कि मैं इनोसेंट हूँ या नहीं। कल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजने वाला हूँ, वहाँ से वो चला जाता। ये सुन जीनी कहती कल मजा आने वाला है। आगे हम सीन देखते हैं सेट का, जहाँ पर मोशन ने जीनी के लिए कई सारी ड्रेसेस भिजवाई होती है। वो देख मिनी कहती ये देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस भिजवाई है। जीनी कहती आंचल की ड्रेस तुम्हारे साइज की नहीं लग रही है, मेरे ख्याल से तुम झूठ बोल रही हो। सुनकर मिनी गुस्सा हो जाता है। जीनी कहती तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेती। मिनी कहती ठीक है मैं भी ट्राई करके दिखाती हूँ। सीन जहाँ पर मिनी ड्रेस को पहनती लेकिन उसमें वो होता ही नहीं है। वो कहती है ड्रेस इतना स्मॉल साइज का क्यों है, और यहाँ पर ड्रेस की जिप नहीं लग पाती। वो देख जीनी कहती ड्रेस तुम्हारी नहीं है। मैंने गुस्से में कहते मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजी है, ये साइज मेरी नहीं तो किसकी साइज है, तुम्हारी साइज है। इस पर जीनी कहते अच्छा अभी पता लग जाएगा कौन झूठ है और कौन सच है, और यहाँ पर दूसरी ड्रेस को उठाते उसे पहनने जाती है। आगे देखते हैं जहाँ पर ड्रेस जीनी को फिट हो जाती, सब कहते क्या इसका मतलब है सीओ की वाइफ है। जीनी कहते सारे कपड़े मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजे हैं। मिस मिनी के मैं सारे कपड़े को चेक करके बताऊं ये साइज मेरी है कि तुम्हारी, और सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है तुम्हें पता चल जाएगा। इस पर मिनी कहती साइज मेरी है लेकिन मैंने रात को ज्यादा खाना खा लिया था ना, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया है, और ये बस एक कोइंसिडेंस है कि साइज तुम्हें हो जा रही है। जहाँ पर मिनी जिनकी इंसल्ट करते हुए पार्टी से जाने के लिए कहती कि तभी वहाँ पर मोशन आ जाता है और कहता है जीनी से आई एम सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। जीनी कहते नहीं आप टाइम पर आए हैं। कहती तुम कौन हो, क्या तुम जीनी के हस्बैंड हो। कहता और तुम हो जो कि मेरे नाम को यूज कर रही हो। जीनी कहती मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से निकलो बाहर। मोशन कहता रात को मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि कोई लड़की मेरा नाम यूज कर रही है, मेरी फेक वाइफ बन रही है। फिर तुम ही हो ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, नाम बोलो अपना। जीनी कहती मेरा नाम मिनी है, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि मेरे हस्बैंड के आने के पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। मिनी कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारा हस्बैंड मो कंपनी का प्रेसिडेंट मोशन है ना। मिनी कहती क्या तुम डर गए ना, तो फिर निकलो यहाँ से। मोशन कहता है तो फिर मैं कौन हूँ। कहती मुझे क्या पता, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड कितने पावरफुल नहीं हो, तुम मिस्टर मोशन को नहीं जानते। कहता मैं सबको बता देता हूँ कि मैं मिस्टर मोशन हूँ, मो कंपनी का प्रेसिडेंट, और मिनी मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ का नाम जीनी है। सब कहते हैं मिस्टर मो फर्स्ट टाइम पब्लिक में आए हैं, सच में मिस्टर मो है। मिनी कहती तुमने काफी अच्छी एक्टिंग की है, मैं तुम्हें इसका इनाम देती हूँ, सिक्योरिटी इन दोनों को बाहर निकालो। तभी मोशन गुस्से में कहता है किसने हिम्मत की मेरी वाइफ को टच करने की, तो फिर मैं। और तभी जीनी यहाँ पर दोनों सिक्योरिटीज को पंचेस मारती है और दोनों को भगा देती है। वो देखकर मोशन शॉक हो जाता है। मिनी कहती तुम किसे डरा रही हो। तभी जीनी यहाँ पर मिनी को थप्पड़ मारती है और कहती है पहला थप्पड़ मेरे हस्बैंड के नाम को यूज करने के लिए, दूसरा चाटा मेरे हस्बैंड के बारे में अपने मन में सोचने के लिए। मिनी कहती मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मोशन गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी वाइफ को टच करने की, तुम जिंदा रहना चाहती हो कि नहीं। यहाँ पर सेक्रेटरी लीन आ जाता है। देख सब कहती तुम मिस्टर मोशन के सेक्रेटरी लीन है ना, इसका मतलब सच में जीनी के हस्बैंड मिस्टर मोशन है, मो कंपनी के प्रेसिडेंट। इनके तहत मिस्टर मो आप यहाँ। सुनकर मिनी यहाँ पर शॉक हो जाती है। सब कहते इस लड़की मिनी ने हम सबको बेवकूफ बनाया, हमसे झूठ बोला, कितनी बेशरम है ये। मोशन कहते इसे बाहर निकाल कर फेंको, और गार्ड्स मिनी को वहाँ से लेकर जाती। तभी मिनी गुस्से में कहती है मेरी इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगी। तभी जीनी कहती मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती।
आराम से देखते वॉशरूम कहाँ जा पर जिनी के पास मिनी आती और आप उसे मारने चाहती कि जिनी उसे धक्का दे देती है। मिनी गुस्से में कहती, जिनी तुमने मेरे रेपुटेशन को बर्बाद किया है। जिनी कहती, क्या मैंने ही कहा था तुम्हें प्रेसिडेंट की फेक वाइफ बनने को या फिर दिखावा करने को? अगली बार मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, समझी तुम? वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जाते समय उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है जो उसने पहना होता है। किसी मोशन के घर कहाँ जब मोशन कहते ग्रैंडपा आप, उन्हें देख जिनी कहती मन में, क्या महाराज हाउ है? मोशन के दादाजी, नहीं मैं भी क्या सोच रही, बस इनका फेस मैच कर रहा है, जैसा मोशन का फेस मैच करता है मेरे हस्बैंड से, इनका फेस मैच कर रहा है किंग हाउ से। उनके कहता दादाजी आप, पर कहते मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था, सोचा मैं तुमसे भी मिल लूं। तो फिर तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? मोशन कहते ग्रैंड पा मेरी शादी को बस 6 महीने हुए, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन आप सच बताओ आप यहाँ क्यों आए हो, आप क्या जानना चाहते हो? ग्रैंड पा कहते तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम मुझे बताओ तुम हमेशा जो डेड पेंडेंट पहनते हो तुम्हारे पास होता है उसका हाफ पीस दूसरा पेंडेंट तुम्हें मिला, उसका दूसरा ऑनर? मोशन कहता है अभी नहीं, लेकिन डोंट वरी जल्दी इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। तभी यहाँ पर पेंडेंट देख कर जिनी कहती क्या, वो काफी शॉक हो जाती है। कहते ग्रैंड पा लेकिन इसके ऑनर के बारे में आप जानना क्यों चाहते हो? ग्रैंड पा कहते काफी लंबी स्टोरी है। जिनी कहते मेरे पास इसका दूसरा हिस्सा है। पर कहते क्या, तो फिर दिखाओ। तो जिनी अपने पेंडेंट को दिखाने चाहते और कहती क्या लगता है मेरा पेंडेंट कहीं गिर गया है? तभी सारी बातें नौकरानी बाहर से सुन रही होती है। ग्रैंड पा कहते क्या तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमें धोखा देने की? और अब नौकरानी यहाँ पर कॉल करती मिनी को और कहती मिस्टर हाउ यहाँ पर किसी जेड पेंडेंट को खोज रहे हैं, और वो पेंडेंट मिनी के हाथ में होता है जो कि जिनी से वॉशरूम में गिरा था। वो कहते लगता है मेरा चांस आ चुका है। हम देखते ग्रैंड पा को जो कि गुस्से में कहते मोशन तुम डिवोर्स चाहते थे ना, तुम इस झूठी लड़की को डिवोर्स दे सकते हो? मोशन कहते ग्रैंड पा आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ग्रैंड पा कहते हैं जेड पेंडेंट की ऑनर तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हारी मंजिल है, और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। समय कहते सॉरी बेटा लेकिन उस जेड पेंडेंट से तुम्हारी प्रीवियस लाइफ की बातें तुम्हारा पास जुड़ा है, तुम महाराजा मोशीन थे, मैंने खुद तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी शादी के दिन जेड पेंडेंट दिया था गिफ्ट में। मैं मानती हूँ कि जीनी तुम्हारी वाइफ की जैसे दिखाई दे रही है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा कमजोर है, जो महारानी थी तुम्हारी वाइफ वो काफी ज्यादा ब्रेव थी, वही तुम्हारी लवर भी थी, तो फिर असली जेड पेंडेंट का ऑनर ही तुम्हारी वाइफ है। इसी देखते नेक्स्ट डे कहाँ जहाँ पर मिनी पहुंच जाते जिनी के पेंडेंट को लेकर और कहती पेंडेंट मेरा है। वो देखे ग्रैंड पा कहते क्या मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पोते की वाइफ हो। मिनी कहती मुझे भी नहीं पता था कि आप इस पेंडेंट को खोज रहे हैं जो कि मेरे पास है। तो फिर वो यहाँ मिनी को देखता और कहता गुस्से में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिनी कहती ग्रैंड पा मिस्टर मोशन मुझसे गुस्सा है। पर कहते मोशन ये तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी वाइफ है। कहता ग्रैंड पा मेरी शादी हो चुकी है और मैं जिनी को डिवोर्स नहीं देने वाला, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता इस बात पे, तो वाइफी हम वॉक पर चले। और उसे जिनी को लेकर चला जाता है और देख कर ग्रैंड पा काफी गुस्सा हो जाते हैं। कहते ग्रैंड पा जेड पेंडेंट मेरे पास था, मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ आना चाहिए लेकिन मैं इसके बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मेरे पास कैसे आ गया? ग्रैंड पा कहते मिनी तुमने प्रीवियस लाइफ से टाइम ट्रैवल किया है इसलिए तुम्हें कुछ बातें याद नहीं है। और यहाँ पर सारी बातें सारी स्टोरी बताते हैं मोशन की राजा होने की, उसकी वाइफ की रानी होने की। और कहते मिनी तुम ही मोशन की प्रीवियस लाइफ वाली वाइफ हो जिसे मैं कई साल से खोज रहा हूँ। ये बातें सुनकर मिनी अपने मन में कहती है इसका मतलब ग्रैंड पा इस पेंडेंट के ऑनर को ही मोशन की वाइफ मानते हैं। अब प्रीवियस लाइफ की बातें सच या झूठ मुझे नहीं पता लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस पैसे चाहिए ना, मुझे बस मोशन की वाइफ बनना है, मुझे अमीर बनना है चाहे जो भी हो। आगे सीन देखते जब जिनी कहती आपने ग्रैंड पा के सामने मेरी साइड क्यों ली? मोशन कहता है क्या हस्बैंड अपनी वाइफ की साइड नहीं ले सकता? जिनी कहती हाँ पर नहीं। तभी मोशन जिनी के पास आता है, जिनी कहता है आप क्या करें, और यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। देख मोशन यहाँ पर स्माइल देता है और यहाँ पर सीट बेल्ट लगाता है और कहता है तुम क्या सोच रही थी? जिनी कहती कुछ भी तो नहीं। मोशन कहता है मिनी के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता लेकिन पता चल जाएगा क्यों ग्रैंड पा के पीछे क्यों लगी है, लेकिन तुम मेरी वाइफ की बात कोई बदल नहीं सकता और तुम वो फैमिली ग्रुप की हेड हो, ये बात सब कोई जान चुका है, तो फिर मैं तुम्हें अभी डिवोर्स नहीं दे सकता, थोड़ा टाइम वेट करना होगा। तो जिनी कहती डोंट वरी मैं अपनी वाइफ होने के साथ ड्यूटीज को निभाऊंगी। वो सुनकर मोशन अपने मन में कहता है लेकिन उस ड्यूटी से भी ज्यादा मैं कुछ चाहता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारा लवर बनना चाहता हूँ। आगे से नेक्स्ट डे का जब ब्रेकफास्ट देख जिनी कहती सब कुछ मेरे लिए? मोशन कहता ऑफ कोर्स सब कुछ मैंने खुद बनाया है, वैसे मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? फिर आगे सीन देखते जब मोशन कहता तुम ट्राई करो इसे लेकिन बी केयरफुल। और यहाँ पर जिनी एरो से भी शॉट नहीं लगा पाती कि यहाँ पर मिनी आ जाती है, जिनी के शॉट को देख के कहती तीरंदाजी तो मेरी स्पेशलिटी है, लगता है जिनी को तीरंदाजी नहीं आती। जिनी के पास जाते और कहती तीरंदाजी तुम्हें नहीं आती तो फिर तुम वहाँ से चले क्यों नहीं जाती, तुम खुद को एम्बैरस फील क्यों करवा रही हो? पर जिनी कहती क्या लगता है तुम अपनी बातें कर रही हो, एम्बैरस होने की आदत तुम्हें है, लास्ट टाइम का थप्पड़ तुम भूल गई हो। ये सुनकर यहाँ पर मिनी डर जाती है। मोशन कहता है जिनी से डराओ मत। जिनी कहती मिस्टर मोशन क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मोशन कहता है नहीं मेरी वाइफ बुरी हो ही नहीं सकती, वो बेस्ट है।
ओके तो ठीक है, तो फिर हम कंपटीशन करते हैं। रिन कहती है ओके, और यहाँ पर मिन केसर निशाने लगाते हैं, सारे निशाने सही लग जाते हैं। वो देख मोशन कहता है लगता है कि इसे तीरंदाजी करना आता है। जिन कहती है मतलब आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। जिन कहता है क्या मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम पर ट्रस्ट ना करूँ। मिन कहती क्या तुम ट्राई करोगी। जिन कहती है बस तुम्हें इतना ही आता है। कहती वेट मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, उस लड़की को बुलाओ। और यहाँ पर वो एक बच्चे के सिर पर एप्पल रख देती है और निशाना लगाने चाहती। वो देख जिन गुस्से में कहती क्या तुम पागल हो गई हो। कहते दी प्लीज मुझे बचाओ। जिन कहती मिनी मैंने कहा कि तुम ये नहीं कर सकती। कहती मैं निशाना काफी ज्यादा अच्छा, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इस पर जिन कहती ठीक है मिस्टर मोशन मुझे तीर दो। और यहाँ पर मिनी के सर पर निशाना लगाने चाहती है। मिनी डर जाती। जिन कहती डोंट वरी निशाना काफी ज्यादा अच्छा, तुम मरोगी नहीं। और यहाँ पर जिन के ऐसा करने से मिनी डर जाती और कहती मैं हार मानती हूँ, बच्चों को यहाँ से हटाओ। कहते लेकिन मुझे तो निशाना लगाना है। और वहाँ से मिनी भाग जाती है। किसी जापान मोशन कहता है इस बच्चे के पेरेंट्स का। बॉडीगार्ड कहता है इसके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ है, बस यहाँ काम करती है। सुनकर मोशन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर बच्चे आज के बाद काम करते दिखी तो फिर मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। आज से इस लड़के के सारे खर्चे मोशन ग्रुप पे करेगी, कल से स्कूल जानी चाहिए, आज से मो फैमिली की जिम्मेदारी। सुनकर बच्चे काफी हैप्पी होते कहते थैंक यू। तो जिनी मन में कहते मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मोशन इतने अच्छे हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर जिनी कहते आप कितने ज्यादा काइंड हार्टेड है। मोशन कहता है तुम जितना बुरा मुझे सोचती हो उतना बुरा मैं नहीं हूँ, तुम मुझे ट्राई करना चाहोगी। जिनी कहती नहीं। मोशन कहता जिनी मुझे तुम्हारे प्रीवियस लाइफ की बातों पर यकीन है, तुमने जो भी कहा था वो सारी बात मैं मानता हूँ, तो क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तुम्हारे हस्बैंड के पास। जिनी कहती वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता, शायद मैं उन्हें खोज भी नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ। बट डोंट वरी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। मोशन कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तो बस मेरा एक बहाना था। जिनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिनी कहती मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। मोशन कहता तो फिर क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। जिनी कहते आप मेरे हस्बैंड नहीं है। मोशन कहता लेकिन तुम मानो या ना मानो तुम मेरी वाइफ की बात मैं मानता हूँ। बस नहीं हुआ तो फिर तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। फिर आगे सीन देखते हैं जहाँ पर जिनी कहते आपको सोना नहीं है। मोशन कहता है मुझे भी काम है। जिनी कहते ठीक है तो फिर गुड नाइट। और यहाँ पर वो सो जाती। उसके बाद मोशन जाता है जिनी के पास और कहता है मुझे भी सोना चाहिए। और यहाँ पर जिनी की साइड जाकर सो जाता है और यहाँ वो जिनी को नींद में पकड़ लेता है। जिनी उठती है और देखती है मोशन को और कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। मोशन को दूर करती है लेकिन मोशन साइड ही नहीं होता। कहती है कोई बात नहीं मिस्टर मोशन ने इतना कुछ किया है तो फिर मैं मिस्टर मोशन की वाइफ की ड्यूटी समझ लेती हूँ इसे। और यहाँ पर वो मोशन को पकड़ कर सो जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर मोशन जिनी को हैप्पी करने के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और यहाँ पर से सर्व करता है। और ये सब कुछ मिनी बाहर से देख रही होती और कहती है मैं तुम दोनों को हैप्पी नहीं रहने दूंगी। सीन जहाँ पर मिनी जिनी को बुलाती है पेंडेंट के बारे में बताने के लिए और जिनी वहाँ जाती और कहती बताओ पेंडेंट कहाँ है। और तभी यहाँ वो जिनी को बेहोश कर देती है। सीन जहाँ मोशन घर आता है उसे पता चलता है जिनी तो घर पर ही नहीं, वो काफी परेशान हो जाता है। यहाँ पर जिनको कांटेक्ट भी नहीं कर पाता है, वह जिनी को खोजने के लिए जाता है और कॉल पे कहता अपने आदमियों से पूरे सिटी में खोजो जिनी कहाँ है, मुझे आज रात तक मिल जानी चाहिए, तुम सबको मैं फायर कर दूंगा समझे तुम। पर जिनी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सीन देखते मिनी का जहाँ पर कहती लड़की इस कंट्री के सबसे रिच पर्सन मिस्टर मोशन की वाइफ है, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी जिनी को यहाँ पर होश आ जाता है। कहती मेरा पेंडेंट। कहती हाँ तुम मर नहीं वाली हो तो फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये पेंडेंट तुम्हारा है जो गिर गया था और मैंने उसे चुरा लिया था। गिरने के बाद मोशन के ग्रैंडपा को लगता है मैं मोशन की प्रियस लाइफ की वाइफ हूँ। स्पुर्दे को लगता है कि मोशन किंग है, उसकी वाइफ क्वीन थी उसकी प्रियस लाइफ में, और इस लाइफ में इस पेंडेंट की ऑनर ही मोशन की क्वीन है, उसकी वाइफ है। बुढ़ा किसी टाइम ट्रायल के बारे में बात कर रहा था, उसे लगता है कि पेंडेंट मेरे पास है तो मैं मोशन की वाइफ हूँ। जिनी कहती क्या इसका मतलब मिस्टर मोशन ही मेरे किंग, मोशन है मेरे हस्बैंड है। यहाँ पर काफी शॉक हो जाती। तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। और यहाँ पर से मारने चाहती है कि तभी यहाँ पर मोशन आकर चिल्लाता है और यहाँ पर गुंडे की पिटाई करता है। मिनी वहाँ से भाग जाती है। कहता है जिनी तुम मुझे मिल गई, I'm sorry, मुझे आने में लेट हो गया, तुम ठीक तो हो। जिनी कहती हस्बैंड और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। आगे सीन हॉस्पिटल काम जहाँ पर मोशन कहता है जिनी तुम्हें होश आ गया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिनी कहती मोशन। मोशन कहते क्या मैं मिस्टर मोशन नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ मोशन हूँ। जिनी कहते आप कब से यहाँ पर है। मोशन कहता है दो दिन से तुम बेहोश थी, सो तुम्हारा वेट कर रहा होश में आने का, लेकिन डोंट वरी मैंने मिनी को जेल में भेज दिया और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। जिनी कहती थैंक यू। कहता है क्यों मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो फिर तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। जिनी कहती है मिनी जेल में नहीं जाएगी, उसके 1000 टुकड़े होने चाहिए और उस गुंडे के भी। आदमी की हिम्मत मुझे टच करने की, हम उन दोनों को फांसी की सजा दे सकते हैं। मोशन कहता है क्या जिनी तुम इतनी ज्यादा क्रूर हो। जिनी कहते क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। जिनी कहता है क्या मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं।
जीनी कहती आपकी तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। मोशिन कहता है क्या हुआ। जीनी कहती आज क्या डेटी। मोशिन कहता है 10। जीनी कहती फिर से टाइम। अब मैं क्या करूं। मोशिन कहता है तुम मेरा वेट करो मैं अभी आता हूं। देखते जब मोशिन जाता है शॉप पर सैनिटरी पैड लेने के लिए वो काफी शाय फील करता है। विवेक के ऑनर कहती मैं आपकी हेल्प करूं। मोशिन कहता है वो मेरी वाइफ। ऑनर कहती इसमें शर्माने वाली क्या बात है। यहाँ पर ब्रांड्स के बारे में बताने लगती। मोशिन कहता है मैं खुद कर लूंगा और यहाँ पर सैनिटरी बाय कर वहां से चला जाता है। फिर आकेशन हॉस्पिटल कहाँ जब मोशिन कहता है यहाँ पर बस यही ब्रांड मिला है लेकिन मैंने सेक्रेटरी को कॉल किया वो ट्रक लेकर आ रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा ब्रांड चाहिए होगा और कौन सा सही होगा तो फिर मैंने सारे ब्रांड को ऑर्डर कर दिया है। सुनकर जीनी काफी शॉक होती है। कहती आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी आप उन्हें मना कर दीजिए। कहता है पहले तुम सूप को टेस्ट करो फिर ब्राउन शुगर का सूप है तुम्हें आराम मिलेगा। कहती मैं खुद पी सकती। मोशिन कहता है नहीं ये काफी गर्म है। कहती पर मोशिन कहता है मैं काफी हैप्पी फील करता हूँ तुम्हारी केयर करने के बाद। कहती तो क्या आप मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओगे। जीन कहते हैं मानता हूँ कि मैं काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन इसके लिए मैंने काफी ज्यादा कीमतें चुकाई हैं। हर टाइम मैंने इसके लिए मैंने कुछ ना कुछ पे किया है। कहती मैं भी एक बड़े साम्राज्य की महारानी हूँ मैंने भी इसकी कीमत चुकाई थी और टाइम ट्रैवल कर मैं यहाँ इस दुनिया में आई थी मैं अपने प्यार अपने हस्बैंड मोशिन को पाने के लिए। सुनकर मोशिन यहाँ पर जेलस होता है। कहता तुम्हारा हस्बैंड तो सब जाने तो पहले तुम्हें सूप को पियो गर्म में ठंडा हो जाएगा। जीन कहती वेट मैं कुछ जानना चाहती हूँ मैं टाइम ट्रायल की जीनी हूँ या फिर आपकी प्रेजेंट की वाइफ जीनी क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है आपको तो कुछ याद नहीं और वैसे भी इस जमाने में आप तो किसी से भी प्यार कर सकते हो ना क्या फर्क पड़ता है पास्ट की जीनी या प्रेजेंट की जीनी हो हमारे तो बस फेस मैच करते हैं ना फिर आप तो किसी भी लड़की से प्यार कर सकते हो। जीन कहते ये सवाल मेरा भी है तुम अपने किंग मोशन को छोड़कर किसी और से प्यार कर सकती हो। जीनी कहती नहीं। मोशन कहता है मैं भी नहीं। सुनकर जीनी यहाँ पर स्माइल देती है। इसी नेक्स्ट डे कहा जब मोशन कहता है डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ दिन आराम करने के लिए तुम्हें जो भी ड्रग्स दिए गए थे उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद ही तुम घर जा सकती हो। तभी जीनी कहती है मुझे दर्द हो रहा है। मोशन कहता है क्या मैं तुम्हें मसाज कर दूं और अपने मसाज करने लगता है। उधर जीनी कहती है मुझे ठंड लग रही है। मोशन कहता है क्या। जीनी कहती है क्या आप मेरे पास आकर बैठ सकते हैं। सुनकर मोशन शर्माते हुए कहता है वो ठीक है और जीनी के पास जाकर बैठता है उसे पकड़ता है। जीन कहती है मोशिन तो क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं। और मोशिन कहता है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। और यहाँ पर जीन को किस करता है और कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ बस तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ तुम हमेशा मुझे किसी अपने की फीलिंग देती हो। सुनते जीन यहाँ पर मोशिन के शर्ट के बटन ओपन करती है और फाइनली यहाँ पर दोनों की किस होने लगती है। यहाँ पर फाइनली जीन को अपना हस्बैंड की मोशिन मिल ही जाता है लेकिन मोशिन को कुछ याद ही नहीं। वहाँ पर ग्रैंडपा चिल्लाते हुए आते और कहते मेरी बहू ठीक तो है। वो ग्रैंडपा को देखो छुप जाती है। मोशिन कहता है ग्रैंडपा आप कितने गलत टाइम पर आए हो। यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर आगे सीन देखते जब ग्रैंडपा कहते हैं जीनी मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें काफी ज्यादा गलत समझा। जीनी कहती है आपकी गलती नहीं थी। मोशिन कहता है ग्रैंडपा आखिर क्या बात है। ग्रैंडपा कहते पेंडेंट मुझे मिनी से मिला है जो कि उसने जीनी से चुराया था और मैंने पास्ट लाइफ में अपने मरने से पहले इसके अंदर अपने सोल को डाला था। मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हारा और जीनी के आने का वेट कर रहा था मुझे सब कुछ याद है। मोशिन प्रीवियस लाइफ में तुम ड्रैगन साम्राज्य के राजा थे और जीनी तुम्हारी वाइफ थी इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मोशिन रखा है और ये जेड पेंडेंट मैंने तुम्हारी शादी में तुम दोनों को गिफ्ट में दिया था और मैं जानता था कि एक दिन जीनी जरूर आएगी अपने मोशिन को खोजते हुए। मोशिन कहता है मैं कुछ समझा नहीं। दादाजी कहते हैं मुझे तुम याद है बचपन में तुम्हें सपने आया करते थे और अभी भी आते हैं कई सारे घोड़े सैनिकों के राज्य के तुम कहीं के राजा हो। मोशिन कहता है हाँ ग्रैंडपा के सारे सपने तुम्हारे प्रीवियस लाइफ के हैं। इस लाइफ में तुम दोनों के प्यार को नहीं बचा पाया था लेकिन इस लाइफ में मैं बचा सकता हूँ और मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। यहाँ पर सारा सच मोशिन को पता चलता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में और जीनी के बारे में। फिर आगे सीन जहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ अपने ट्रिप पर लेकिन तुम मेरी बहू को आराम करने देना उसे परेशान मत करना। कहता है डोंट वरी ग्रैंडपा एंड थैंक यू सो मच। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं नो थैंक यू नेक्स्ट टाइम आते समय मैं अपने छोटे मोटे पोते पोतियों को देखना चाहता हूँ फिर बेबी के बारे में तुम सब मत भूलना। सुनकर जीनी यहाँ पर शाइफिल करती। मोशिन कहते ग्रैंडपा हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे और वहाँ से ग्रैंडपा चले जाते। आगे सीन जहाँ मोशिन जीनी को प्रपोज करता है देखकर जीनी काफी इमोशनल हो जाती है। मोशिन कहता है महारानी जीनी पर बैठता है और कहता है महारानी जीनी प्रीवियस लाइफ में मैंने प्रॉमिस किया था अपनी वेडिंग नाइट के बारे में लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। अपने जंग में जाने की वजह से मैं नहीं आ पाया लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। रास्ते में अपने सारे वादे पूरे करूंगा जो मैं नहीं पूरा कर पाया। जानता हूँ कि मैं अभी किंग मोशिन नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा प्रेसिडेंट मिस्टर मोशिन हूँ। तो फिर महारानी जीनी क्या तुम मुझे माफ करती हो और क्या मुझसे शादी करोगी। सुनकर जीनी स्माइल देते कहती यस और यहाँ पर जीनी को रिंग पहनाता है और यहाँ पर उसे गले लगाता है। साथ ही लव स्टोरी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लव स्टोरी में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।